हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर पीसीएस का टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग पीसीएस में टेस्ट में एक पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसमें देखिए 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, आएगा पेपर में। तो हम लोगों ने 50 किया है और आगे आज 50 करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पीछे वीडियो नहीं देखा तो देखिए देखिए एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। तो जितना ज्यादा टेस्ट कर सकते हो उतना ज्यादा टेस्ट करिए। तो देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने किया था, आज हम लोग करेंगे 51 नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पे अब तो पहला ही क्वेश्चन होगा, जिसे निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये है छादोग्योपनिषद। तो ऑप्शन ए ही सही है। देखिए, इसमें क्या है कि आश्रम व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण से संबंधित है, जो कि संसार की सामाजिक विचारधारा के संपूर्ण इतिहास में अद्वितीय है। इसके अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को 25-25 वर्ष के चार भागों में बांटा गया था। आप लोगों ने सुना भी होगा, 25 भागों में बांटा गया था 25 वर्षों में। जैसे कि पहला जो 25 वर्ष था वो था ब्रह्मचर्य, जो कि पढ़ने लिखने का था। फिर था गृहस्थ आश्रम, जो कि जैसे शादी विवाह करके परिवार के साथ में रहना। उसके बाद वानवस्त्र आश्रम, उसके बाद संन्यास ले लेना। तो 25-25 करके था 100-100 वर्ष का था, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे ग्रंथ दिया है और रचयिता दिया है, बृहत कथा, सेतु बंध और काव्य मीमांसा और मालती माधव। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो चलिए मिलाते हैं। तो बृहत कथा तो ये है गुड़ाट का, और सेतु बंध तो सेतु बंध हो जाएगा प्रवर सेन सेकंड का, और काव्य मीमांसा तो काव्य मीमांसा ये है आपके राजशेखर, और मालती माधव तो यह है भवभूति। तो इस प्रकार हो जाएगा 1, 2, 4, 3। किसमें है? ऑप्शन सी में, देखिए 1, 2, 4, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय की विशेषताएं हैं? भगवान बुद्ध की स्तुति महापुरुष के रूप में, दूसरा है निर्वाण प्राप्ति व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य, तीसरा है मुख्य आदर्श अर्थ पद को प्राप्त करना, और चौथा है निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध के प्रति विश्वास एवं भक्ति पर बल। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा, बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए, इसमें ये चौथा जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध के प्रति विश्वास एवं भक्ति पर बल, तो ये कथन गलत है, भक्ति पर बल नहीं दिया गया था। तो ये चौथा हटा दीजिए, चौथा यहाँ हटाएंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, ठीक है। तो तीन कथन सही है, यहाँ पर वही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक ने कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी? बताइए किसने किया था। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? तो देखिए, ये उदयन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन। तो देखिए, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदयन था। किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, और वह अपने पिता के समय चंपा में राज्यपाल था। अब बाद में सरदारों की सर्वसम्मति से राजा बना। उदयन जैन धर्म का अनुयायी भी था। इसने कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की, जो क्वेश्चन में है, और जो कि इस समय वर्तमान में कहां पर है, तो वो पटना में है, और वो अपनी राजधानी बनाया। यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है, गंगा और सोन नदी संगम पर स्थित भी है। और उसके बाद यहाँ एक चैत्यगिरी का निर्माण कराया। पुराणों के अनुसार उदयन ने 33 वर्ष शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव नहीं है? प्रशासन की छत्र प्रणाली का विकास, मुद्रा निर्माण की उलूक शैली का प्रारंभ, तीसरा है नक्षत्र शास्त्र एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान, और चौथा है खरोष्टी लिपि का प्रयोग। बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें गलत पूछा है, तो देखिए ये ऑप्शन डी है, खरोष्टी लिपि का प्रयोग, ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसी को सही कर देंगे, क्योंकि गलत पूछा हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, बाकी तीनों सही है कथन। तो देखिए, खरोष्टी लिपि जो है इसे इंडो बैक्ट्रियन लिपि के रूप में भी जाना जाता है। एक लेखन प्रणाली थी जो मूल रूप से वर्तमान उत्तरी अमेरिका वर्तमान में जो पाकिस्तान में चौथी और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। खरोष्टी के सबसे पहले पहचाने जाने योग्य उदाहरण गंधार उत्तरी पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। उत्तरी पाकिस्तान देख रहे हैं, उत्तरी पाकिस्तान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के बगल में, पश्चिम साइड। जो अशोक के शिला लेखों तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में मन सेहरा और शाहबाजगढ़ी शहरों में दर्ज हुई थी। अब भारत में इस लिपि का प्रचार प्रसार तो ईरानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिया गया है,
पहला कथन है यह पंचायतन शैली में निर्मित है, दूसरा है यह वैष्णव एवं शैव संप्रदाय के समन्वय का प्रतीक है, तीसरा है मंदिर की छतों पर घुड़सवार फौज की आकृतियां अलंकृत है। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो देखिए इसमें दो और तीन सही होगा, पहला कथन गलत है कि पंचायत शैली में नहीं इसमें हुआ था, निर्माण नहीं हुआ है। तो पंचायत शैली का निर्माण एक शैली है जिसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है जो चार अन्य मंदिरों से घिरा हुआ होता है। उसके उदाहरण जैसे है उदयपुर में जगदीश मंदिर है, खजुराहो में लच्छा मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर ब्रह्मोत्सव मंदिर है। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा कथन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछा है कि मुगल कालीन प्रशासन में आमिर उल बहर निम्नलिखित में से किस विभाग से था। तो आमिर उल बहर जो था ना ये जल में था, सेना का था। तो कहां पर है जल सेना, ये ऑप्शन डी में देखिए, जल सेना का प्रमुख होता था ऑप्शन डी में। जैसे कि आमिर उल तो जल सेना का हो गया, अब मीर ए आतिश या दरोगा ए तोपखाना शाही तोपखाने का प्रधान होता था, उसके बाद दरोगा ए डाक चौकी ये गुप्तचर और डाक विभाग का अधिकारी होता था, नाजीर ए बियात ये शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। शाही कारखानों का अधीक्षक किसको बोलते हैं, यहाँ पर है शाही कारखानों का अधीक्षक तो इसको बोलेंगे नाजीर ए बयुतात। और गुप्तचर जो था तो गुप्तचर विभाग का था तो ये दरोगा ए डाक चौकी होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सुहरावर्दी सिलसिले में से संबंधित है, उपवास एवं आत्मदमन का आविष्कार, आध्यात्मिक जीवन हेतु गरीबी आवश्यक नहीं, शाही अनुदान एवं राजकीय संरक्षा स्वीकार्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए सही उत्तर का चयन कीजिए, एक दो दो और तीन, केवल तीन, एक दो तीन, कौन सा कथन सही होगा। तो ये हो जाएगा तीनों कथन सही है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक ने तेलुगु ग्रंथ आमुक्तामालिद की रचना की थी, किसने किया था, तो यह किया था कृष्ण देव राय ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, मुगल कालीन चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह इस्लामिक एवं यूरोपीय दृश्य संस्कृति का मिश्रित रूप है, और दूसरा है यह शैली सूक्ष्म तकनीक एवं यथार्थवादी चित्रण पर केंद्रित है, और तीसरा है सशक्त रेखांकन एवं बहुरंगी रंग योजना इसकी प्रमुख विशेषता है, कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो देखेंगे इसमें पहला और दूसरा सही है लेकिन तीसरा कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे ए, एक और दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा कथन गलत है, महानदी लिखा है शिवनाथ यानी सहायक नदी बताना है, महानदी शिवनाथ सहायक नदी है, नर्मदा की ओरिसिन और पेन्नार की जयमंगली, कृष्णा की हेमावती, देखिए कृष्णा की हेमावती नहीं है, ये कथन गलत हो जाएगा। तो देखिए ये एक कृष्णा एक प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है और यह पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, अब बंगाली खाड़ी में गिरती है, किधर गिरती है बंगाली खाड़ी में, जैसे कि अब कृष्णा नदी है तो यहाँ से प्रवाहित होती है और यहाँ गिरती है बंगाली खाड़ी में। ठीक है, और इसका अपवाद क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश में है, और कोयना यारला वरना पंचगंगा दूध गंगा घाट प्रभा माल प्रभा भीमा तुंगभद्रा और मूसी इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तर पश्चिमी भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी लगाइए, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 63 है, हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है, पूर्वी हिमालय उत्तर पूर्वी हिमालय कश्मीर हिमालय हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा कश्मीर हिमालय ऑप्शन नंबर सी, करेवा भू आकृति में पाई जाती है तो कश्मीर हिमालय पाई जाती है। देखिए हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित वलित पर्वत का उदाहरण है और जिसका निर्माण एक लंबे भूगर्भिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 64, भाबर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह शिवालिक के गिरिपाद में सिंधु से तिस्ता नदी तक विस्तृत है, दूसरा है इस प्रदेश में अधिकांश नदियां भूमिगत हो जाती है, तीसरा है
इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है, कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन लगाएंगे ए। तो देखिए जो इस प्रदेश में नदियां अधिक सांद्रता के कारण कंकड़ पत्थर के नीचे से बहती हैं और ऊपर से दिखती नहीं। कंकड़ पत्थर से भरे होने के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गहन कृषि होती है, मतलब ज्यादा कृषि होती है, तो कथन गलत, इसलिए गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित लौह अयस्क खनन केंद्र नहीं है, कौन नहीं है इसमें से? तो देखिए गुरुम हिसानी उड़ीसा ये है, बैलाटीला छत्तीसगढ़ ये भी है, कुद्रेमुख कर्नाटक ये भी है, मुसाबनी झारखंड, तो ये कथन गलत है, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। दूसरा है इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है, कौन सा कथन सही होगा? तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ मिलाने वाला है झील और राज्य बताना है। तो यहाँ है उमियम, उमियम झील कहाँ पर है? तो मेघालय में है, और गुरुंडो गुरुंडो गुरुडोंगमर तो ये है आपका सिक्किम में, और दीपर बिल आपका असम में है, और पाला मिजोरम में है। तो 2134, 2134, 2134 ये ऑप्शन बी में है। तो चलिए इस प्रकार हम पहले देख लेते हैं कि झीलें कहाँ पर भारत में कौन कौन कहाँ पर है। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर पूछेगा तो जम्मू कश्मीर जान लीजिए वुलर है, डल, शेषनाग, अनंतनाग, वेरी नाग, पानगांग, और मंसार है, और एक और भी है जो सरुईंसार है जम्मू में ही। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में आएंगे तो यहाँ पे नैनीताल, भीमताल, गोहना यानी डुमरी बोलते हैं उसको। उसके बाद राजस्थान में है पिछोला, फतेह सागर, रंगा सागर, स्वरूप सागर, उदय सागर, राजसमंद सागर, जैसम सम्मत सागर, सरदार सम्मत, सांभर, डिडवाना, पुष्कर, तो ये राजस्थान की है। उसके बाद देखिए गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में भी है नल सरोवर और नारायण सरोवर। मध्य प्रदेश में एक तो है जो भोपाल में है भोजताल। उसके बाद बिहार में देखिए कांवड़ झील है जो कि बेगूसराय में है, और कुशेश्वर स्थान है जो कि दरभंगा में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक है हावड़ा पे जो कि संतरागछी के नाम जानते हैं। असम में दो है दीपर बिल और सोन बिल। मेघालय में उमियर उमियम है जो शिलोंग में है, ये जो दिया भी है। मिजोरम में पाला है, महाराष्ट्र में लोनार, पोवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर, और सिक्किम में देखिए तो सिक्किम में है गुरुडोंगमर जो चोलामू झील, ये सिक्किम का दिया भी है। कर्नाटक में देख लीजिए, पहले कर्नाटक में वेलांदूर झील और पंपा सरोवर जो हम्पी में है। तेलंगाना में देखिए हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर। केरल में तो केरल में बेम्बानार और सस्थामुडी, अष्टमुडी। तमिलनाडु में तो तमिलनाडु में है आपका बेरीजाम, चेम्बरमकम, ऊटी झील और कोडाइकनाल झील, तो ये कुछ जिले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, और दूसरा है इन वनों के लिए 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तीसरा है सागौन एवं चंदन इसके प्रमुख वृक्ष है, कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह, तो यह है आपका पारादीपी, पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से देखिए उत्तर से ऐसे यहां पर उत्तर होगा, तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखेंगे तो नागरी आ जाएगा, नागरी के बाद शिवराय आ जाएगा, शिवराय के बाद पचई मलाई आ जाएगा, उसके बाद आएगा सिरुमलाई। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर से दक्षिण हो गया, तो पहले नागरी आएगा, फिर शिवराय, और फिर पचई मलाई, उसके बाद सिरुमलाई। ठीक है, तो ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग नहीं है, भूषा है? तो देखिए डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, काला बाजार नहीं, तो ऑप्शन बी लगा देंगे।
क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन से दूरदृष्टि दोष के कारण होता है? दूरदृष्टि दोष, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि। कौन सा सही कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा सही, दूसरा हो जाएगा सही, तीसरा हो जाएगा गलत, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जीवाणुओं को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो यह किया जाता है मोनेरा, ऑप्शन बी हो जाएगा मोनेरा। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को वृद्धि रोधी हार्मोन के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाएगा एबेसिसिक अम्ल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित, दूसरा है खुला परिसंचरण तंत्र, तीसरा है मैल पीगी नालिका द्वारा उत्सर्जन। उपयुक्त विशेषताएं प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प श्रवण के कारण होता है? अल्प श्रवण के कारण, तो यह होता है आपका मिग्जीडेमा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, बताना है कौन सा इसमें गलत है। जीवाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कथन सही है। दूसरा है इनमें जनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होता है, तीसरा है इनकी कोशिका में माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होता है, ये भी सही है। तो इसमें इनमें केवल स्वपोषी पोषक पाई जाती है, ये कथन गलत है, ऑप्शन डी लगा देंगे सही, ठीक है। नेक्स्ट 78 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? कवक और उपयोग दिया है, तो साइकेरोमाइसिज सेरेविस बेकरी उद्योग, तो यही कथन पहला ही गलत हो जाएगा। तो देखिए, कवक हरित लवक रहित तथा संवहन उतक रहित थैलोफाइटा होते हैं, जो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, और कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो इसलिए ये पहला जो है कथन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कवकों के अधिक आर्थिक महत्व होते हैं, और साइकोरोमाइसिस का उपयोग बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में किया जाता है, बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में। तो देखिए पहला ही सही हो जाएगा, सॉरी, पहला ही सही हो जाएगा बेकरी उद्योग बनाने में, तो पहला ही कथन सही है। और बाकी देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है एस्परजिलस नाइजर, तो यहाँ साइट्रिक अम्ल उत्पादन लिखा हुआ है। तो देखिए कवकों के दूसरा में क्या है कि कवकों से अनेक प्रकार के अम्लों का निर्माण किया जाता है, और एस्परजिलस म्यूकर तथा साइट्रोमाइबीज तथा माइबीज द्वारा साइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, तथा एस्परजिलस नाइजर द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। देखिए ये कुछ साइंस के वर्ड हैं जो कि बहुत पढ़ने में थोड़ा वो होता है, अनुबंध होता है, लेकिन ठीक है। उसके बाद क्या है, तो एक रिकस पनीर उद्योग, ये भी कथन गलत है, और एस्परजिलस ये एंटीबायोटिक औषधि निर्माण, ये भी कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जंतु विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का अध्ययन, तो ये किया जाता है एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्ताल्पता नामक रोग होता है? बताइए कौन सा होता है, ये तो पता होगा, ये 12 होता है, विटामिन 12। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो यह है आपका बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं बताना है? तो पहला देखिए क्या लिखा है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला सोनभद्र है, तो यह कथन सही है। दूसरा है, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू है, तो यह भी सही है। तीसरा है, प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रदेश जनजाति प्रतिशत वाला जिला मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला, तो ये नहीं है। बाकी बागपत है, कन्नौज है, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, तो सबसे पहले तो आएगा आपका बागपत और कन्नौज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए, प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की लिंगानुपात 951 है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो गलत है, तो इसी को हम लोग सही कर देंगे, ठीक है, गलत पूछा है तो सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, जनपद दिया है, मेला दिया है, पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है? तो कासगंज सोरो मेला सही है, फरुखाबाद रामनगरिया मेला सही है, आगरा कैलाश मेला सही है, लखीमपुर खीरी ढाई घाट मेला, तो लखीमपुर खीरी में ढाई घाट का मेला, ये कथन गलत हो जाएगा।
तो देखिए लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है, और ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है, तो शाहजहांपुर में लगता है। तो देखिए कुछ मेले बता देते हैं, जैसे कि कुंभ का मेला प्रयागराज में, बटेश्वर का मेला आगरा में, नौचंदी का मेला मेरठ में, देवा मेला बाराबंकी, उसके बाद आयुर्वेद महोत्सव मेला झांसी का है, बिठूर गंगा महोत्सव मेला कानपुर का है, कजली महोत्सव महोबा, और शाकंभरी में देवी मेला ये सहारनपुर हो जाएगा, खिचड़ी मेला गोरखपुर, और गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 84। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद है, सर्वाधिक वन, तो ये हो जाएगा आपका मिर्जापुर, ऑप्शन नहीं हो जाएगा मिर्जापुर। मिर्जापुर गए कि नहीं, बहुत मस्त जगह है, जाके देखेंगे तो पूरा घाटी घाटी की जगह पे है, घाट है और पहाड़ी पे इलाका है। उत्तर प्रदेश में राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित में से किस पोर्टल का प्रयोग किया जाता है, किस पोर्टल किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका कोसवाड़ी, कोसवाड़ी है। तो यहाँ पे जिसे लोकवाणी दिया है, तो लोकवाणी में क्या होता है, यह सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना है जिसे वर्ष 2004 में आरंभ किया गया था, और इसमें सरकार जनता की शिकायतों की निगरानी और समाधान की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करती है, तो यह इसके लिए था। उसके बाद देखेंगे दर्पण, तो दर्पण था आपके लिए उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का डैशबोर्ड यह है। उसके बाद ब्यास, तो ब्यास देखेंगे वाणिज्यिक कर विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी वेबसाइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, कौन सी अवस्थित नहीं है, मौदहा बांध परियोजना है, और बारगी बांध परियोजना, ये कथन गलत है, बारगी बांध परियोजना तो ये यहाँ पर नहीं है, और बाकी कहाँ सिंचाई परियोजना है, कचनौदा बांध परियोजना यहाँ पर है, और बारगी परियोजना तो ये मध्य प्रदेश जबलपुर में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। देखिए कौन सा योजना कब तैयार हो रहा है, कब स्थापित किया जा रहा है, कब बनाया जा रहा है, उसको ध्यान से देखिए, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो देखिए सबसे पहले तो बनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद आपका हुआ मुख्यमंत्री संग्राम ग्राम विकास योजना, उसके बाद कन्या सुगमंगला योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, तो कन्या सुगमंगला योजना जो है ये आपका 1 अप्रैल 2019 को हुआ था, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये 1 मार्च 2020 को हुआ था, उसके बाद पंडित दीनदयाल तो ये 2017 का था, और उसके बाद एक मुख्यमंत्री संग्राम ग्राम विकास योजना तो ये आपका 2018 का है, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 88, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है, तो यह है आपका बदायूं में, बदायूं बताया ना उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा और बता देता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश में कुछ मकबरे हैं, जैसे कि इत्मा उदौला का मकबरा आगरा में है, अकबर का मकबरा आगरा में है, चीनी का रोजा आगरा में है, मरियम का मकबरा आगरा में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा में है, और बहु बेगम मकबरा ये फैजाबाद में है। तो कुछ आगे ये थे, याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जनपदों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम है, हरदोई सीतापुर प्रयागराज बाराबंकी, सीतापुर हरदोई प्रयागराज बाराबंकी, तो देखिए ये हरदोई सीतापुर प्रयागराज बाराबंकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ अगर राज्यों को बताना बता देता हूँ मैं कि हरदोई, जो हरदोई जिला भारत के उत्तर प्रदेश में लखनऊ कमिश्नरी एक जिला है। उसके बाद सीतापुर जो है, सीतापुर का नाम राजा विक्रमादित्य के नाम, भगवान राम की पत्नी के सीता के नाम पर रखा गया था। और प्रयागराज, तो प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, यह एक 3 नदियों का संगम है जो गंगा यमुना और सरस्वती का होता है। और उसके बाद देखेंगे बाराबंकी, तो बाराबंकी जिले की भूमि अपने अपने में ही गौरवशाली अतीत के साथ एक समृद्ध विरासत है, जो ये जिला अपना अपनी स्थापना के बाद से कई संतों और साधुओं के लिए ध्यान, भूमि, साहित्यिक, बुद्धिजीवों के लिए साधना का स्थान बना हुआ है, और ये एक युद्ध क्षेत्र भी है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, उत्पाद है और जनपद है, तो देखेंगे यहाँ पर तो बेत छदिया कहाँ पर है, तो ये बरेली में होता है, ऊनी वस्त्र हो जाएगा कानपुर, और पीतल मूर्तियां हो जाएगी मथुरा, और चीनी हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 4-2-1-3। ठीक है, चीनी उद्योग देखिए मेरठ और शामली में बनता है, ऊनी वस्त्र कानपुर में, चीनी मिट्टी का बर्तन खुर्जा और प्रयागराज में, वनस्पति का घी तो आगरा कानपुर और मेरठ, बिस्किट उद्योग देखिए मोदीनगर आगरा और अलीगढ़ में है, इत्र और सुगंधित तेल तो ये कन्नौज गाजीपुर
जौनपुर और लखनऊ, दरी निर्माण तो ये बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, गरीचा निर्माण तो ये भदोही है, वाराणसी, आगरा, मिर्जापुर, दिया सलाई उद्योग तो ये बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, साबुन उद्योग तो ये साबुन उद्योग है कानपुर, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ, लकड़ी का फर्नीचर तो ये हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, हथकरघा एवं सूती वस्त्र तो ये है मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टंडा, टाटा, और सिगरेट निर्माण देखिए सहारनपुर में होता है, गाजियाबाद में होता है, औषधि निर्माण तो ये कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, हाथ से कागज बनाना तो ये है आपका मथुरा, कालपी और कागज सराय, लोहे का बाँट देखिए सहारनपुर, आगरा में है, पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनती है, खेल का सामान आगरा और मेरठ का है, लकड़ी खिलौने तो यह है लखनऊ और वाराणसी, और बेंत की छड़िया तो ये बरेली में होता है। देखिए कुछ ये थे आपके उत्तर प्रदेश के जो बनावट के सामान थे, उत्पाद तो किस किस जिले में थे बताए मैंने, उसको रिपीट करके फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, वर्ष 2023 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है? तो देखिए ये पियरे एगोस्टिन को मिला, फेरेंके कास्ट को मिला, एनी एल विलियर को मिला, कैटलिन कारिको को नहीं मिला, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, रिपोर्ट है और संगठन है, बताना है कौन जारी करता है ये, तो यहाँ पर देखेंगे आप ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट यूनेस्को करता है, ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट यूनिसेफ है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ये आईएलओ का है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट ये यूएन ने, हैबिटेट, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4। चलिए 93 नंबर है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? किसे किया गया है? तो यह किया गया आपका डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 23 अगस्त को लिया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, युद्ध अभ्यास संबंधित देश देखिए, हैंड इन हैंड किससे संबंधित है, कौन सा कथन इसमें गलत है वो बताना है, ठीक है? तो हैंड इन हैंड देखिए भारत और चीन के साथ होता है, कोप इंडिया, कोप इंडिया देखिए होता है यूएसए के साथ, इसमें दिया है रूस, तो यह कथन हो जाएगा गलत, ऑप्शन बी लगा देंगे सही। और समुद्र शक्ति तो ये है भारत इंडोनेशिया, सही है, और एकू वेरिन ये है भारत मालदीव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इसका गठन वाशिंगटन संधि के अंतर्गत किया गया है और किसी भी यूरोपीय देश द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है, उत्तरी मैसिडोनिया को इसके 31वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बताइए कूट का प्रयोग करके संयुक्त का चयन कीजिए, कौन सा कथन सही है इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका एक और दो कथन सही हो जाएगा, तीसरा कथन गलत है। तो देखिए वर्तमान में 31वां नाटो देश ये है, मुख्यालय ब्रुसेल्स में इसका है, बेल्जियम में है, इसके 30वें सदस्य के रूप में मैसेडोनिया 2020 में मान्यता दिया गया है, और 31वां बना है फिनलैंड बना है, जो कि हाल ही में चर्चा में था, ठीक है, जो ये है ये 30वें नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई नया सवेरा योजना निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? नया सवेरा तो यह संबंधित है आपका बाल श्रम उन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 दो कथन दिया गया है, इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया है, इसके शीर्ष 50 शहरों में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है, कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन ए लगा दीजिए, अरे ऑप्शन बी लगा दीजिए, पहला कथन गलत है। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, न कि ये हमेशा देखिए एक कुछ न कुछ जो जारी करता रहता है, ये कथन गलत ही बताता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, रिवर सिटी अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है, यह नदी तट पर स्थित शहरों को आपस में जोड़ने के दृष्टिकोण पर आधारित है, और इसके सदस्य केवल भारतीय शहर हो सकते हैं, कौन सा कथन सही है इसमें से? तो देखिए इसमें केवल दो सही है, बोले तो ऑप्शन सी लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना तो बताना है किस नदी पर अवस्थित है ये मेकेदातु परियोजना, तो यह है आपकी कावेरी नदी पे। 101 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 संदर्भ में इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, गलत है, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस द्वारा पहली बार इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया है, बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें 2 और 3 सही है, ठीक है, ये दोनों कथन सही है, पहला कथन गलत है, जवाहरलाल नेहरू ने थे।
क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है नेहरू रिपोर्ट। आपको बता दो कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 1928 में, यह था अगस्त 1928 में। तो अल्पसांप्रदायिक चुनाव पद्धति का समर्थन, ये कथन गलत है, यही तो कथन गलत है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी तो सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सही है, केंद्र तथा प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता यह भी सही है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, युद्ध और गवर्नर वायसराय, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, उसके बाद द्वितीय आंग्ल, तो इसको मिलान करना है, कौन सा कथन सही है इसमें से। तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध ये हेस्टिंग समय में हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वेलेजली में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कार्नवालिस है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये ऑकलैंड दिया, ये कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन लगाएंगे सी, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो ये है आपका 1824 से 1826 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध का मुख्य कारण वर्मा राज्य की सीमाओं का ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास तक फैल जाना था, जिस कारण से अंग्रेजों के समक्ष एक संकट खड़ा होने का खतरा बढ़ गया था। इस युद्ध के प्रारंभ में अंग्रेज गवर्नर ये था एम हर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो यह थे आपके लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित विद्रोहों को, सॉरी, निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका पोलीगर विद्रोह हुआ था, उसके बाद रामोसी विद्रोह हुआ था, उसके बाद हुआ था अहोम विद्रोह हुआ था, फिर बुंदेला विद्रोह हुआ था, तो इस प्रकार हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है ये, तो अगर आप ये देखेंगे तो इस हो जाएगा चार्ल्स मेटकाप, तो ऑप्शन बी में चार्ल्स मेटकाप, जो कि गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाप ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए 1823 ईस्वी के अनुज्ञप्ति नियम को समाप्त कर दिया, ऐसे प्रयास के कारण मेटकाप को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता का संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107, तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल पर अनुशंसा से संबंधित नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है ये बताना है, तो देखिए ये पहला ही ऑप्शन है इस्लिंगटन आयोग, ये कथन गलत है, तो ऑप्शन ए ही सही करेंगे क्योंकि गलत पूछा हुआ है। अब बाकी देखेंगे तो यहाँ पर एंटनी मैकडोनल आयोग, जेम्स लॉयड आयोग और स्टैची आयोग, तो ये कथन सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया है कुछ संस्थान और संस्थापक, तो कौन सा कथन इसमें गलत है वो बताना है आपको। तो कलकत्ता मदरसा तो ये वारेन हेस्टिंग थे, और एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल तो विलियम जोन्स, संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन और विशप कॉलेज तो ये लॉर्ड मैकाले, ये कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सही। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से किसने कुका आंदोलन का नेतृत्व किया था, कुका आंदोलन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग देखेंगे कुका आंदोलन, तो ये था भगत जवाहर मल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सी मांगे गांधी जी के द्वारा वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगों में शामिल थी, इसमें शामिल थी बताना है, तो यहाँ पर है आपकी लगान में 50% कमी और पूर्ण शराबबंदी और राजनीतिक कैदियों की रिहाई, देखिए राजनीतिक कैदियों की रिहाई यहाँ पे लिखा था, अगर सभी कैदियों की रिहाई लिखा रहता तो भगत सिंह को फांसी नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट, आत्मरक्षाई हथियार रखने का लाइसेंस, तो इस प्रकार चारों कथन जो ये चारों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, बालिकाओं की विवाह योग्य आयु में संशोधन के उद्देश्य से एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में लाया गया था, बताइए किस वायसराय काल में लाया गया था, तो यह लाया गया था आपका लैंसडाउन का, ये था आपका 1891 में थे ये लास्ट लैंसडाउन वायसराय, और जो कि इस अधिनियम में लड़कियों के विवाह का आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी, और जो 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह वर्जित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक,
तो यह है अल्फासो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चार्टर्ड एक्ट 1833 में सम्मिलित नहीं था, तो दासता को अवैध घोषित करना ये था, कंपनी के अधीन नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति, तो ये भी सही था, और भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण, तो ये भी है, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट, तो ये कथन हो जाएगा गलत, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किस कारखाना अधिनियम द्वारा कारखानों में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया था, किसको किया गया था, तो यह किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, 1891 कारखाना अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के पश्चात निम्नलिखित में से किस कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किसको किया था नया नियुक्त, तो ये बने थे उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, प्राकलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, दूसरा है यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है, और तीसरा है समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं की जा सकती है, कौन सा कथन सही होगा इसमें से, तो यह एक और तीन, और दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी रीट न्यायालयों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, तो ये आपका हो सकता है उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसे इसके प्रस्तुतीकरण हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यक है, दोनों सदनों द्वारा पास होने पर विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है, कौन सा कथन इसमें गलत है वो बताना है, तो गलत है आपका ये पड़ेगा एक और दो, तीसरा कथन सही है, तो तीसरा ही कथन मतलब ये दोनों कथन गलत है, तो जो गलत है वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, बजटीय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, विभागीय समितियों द्वारा जांच, विनियोग विधेयक का पारित होना, आम बहस, अनुदान की मांग, मतदान करना, बताइए कैसे होगा पहले, तो देखिए पहले क्या होगा, पहले आम बहस होगा, उसके बाद विभागीय समितियों के द्वारा जांच होगी, उसके बाद आपका होगा अनुदान की मांग का मतदान, और उसके बाद विनियोग विधेयक पारित हो जाना, तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे बी। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, वाद है और संबंध है, कौन सा कथन इसमें गलत है ये बताना है, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ आरक्षण के लिए था, के एस पुट्टा स्वामी बनाम, तो ये निजता का अधिकार आर्टिकल 21, ए एस आर बोम्बई बनाम भारत संघ, ये राष्ट्रपति शासन था, और डॉक्टर डी सी बाधवा बनाम बिहार राज्य, ये अपराध एवं दंड था, तो ये देखिए चौथा कथन जो है ये गलत हो जाएगा, ये क्या था बिहार राज्य का, तो इस वाद में न्यायालय ने माना कि अध्यादेश का अधिकार असामान्य स्थिति में ही अपनाना चाहिए तथा इसका प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और इस वाद में न्यायालय ने यह भी माना कि कार्यपालिका अध्यादेश जारी करके विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो उपयुक्त में से कौन सी द्वितीय प्रदूषक है, द्वितीय प्रदूषक, तो ये आपका है पहला है और तीसरा है, ऑप्शन नंबर लगा दीजिए ए। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सी कीस्टोन प्रजाति की विशेषता है, कीस्टोन प्रजाति की विशेषता, तो ये आपका हो जाएगा इसकी अन्य प्रजातियों के विकास संरचना में मुख्य भूमिका होती है, कथन गलत है, ये पर्यावरण परिवर्तन के अति ये भी कथन गलत संवेदनशील नहीं होती है, ये प्रजातियां अपनी प्रचुरता के सापेक्ष के अपने प्रकृति पर्यावरण के असंगत में रूप से अधिक प्रभावित हो करती है, तो ये कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 में निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का परिणाम नहीं है, सुपोषण जल की अपारदर्शिता में वृद्धि और घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी, तो ये कथन गलत है, तो ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन का स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति और भारतीय वन्य जीव संस्थान, बताइए कौन सा होगा इसमें, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को
IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है ग्रेट इंडियन बस्टर, बैक्टियन यूट और गंगा नदी डॉल्फिन, घड़ियाल। निम्नलिखित पर प्रयोग करिए, संयुक्त का चयन कीजिए, कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बैक्टियन ऊंट और घड़ियाल। ऑप्शन तीन हटा दीजिए, बाकी सही हो जाएगा। तीन जैसे ही हटाएंगे देखिए आंसर ही मिल गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 126 नंबर, बताना है कौन सा कथन इसमें सही है, मिलान करना है तो मिलान करिए। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर किस राज्य में है? सुल्तानपुर देखकर अब मुझे पता चलेगा कि सुल्तानपुर हरियाणा का शान, सुल्तानपुर सुल्तान अली खान, याद है तो सुल्तानपुर, ठीक है। बेतला, बताइए बेतला कहाँ पर है? तो बेतला आपका हो जाएगा झारखंड में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल ये उड़ीसा का है, पेरियार केरल का है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संकेतक हैं? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति और पर्यावरणीय नीति। कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर पांचवा हटा दीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये हो जाएगा आपका चौथा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौथा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ग्रे वाटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, यह बेहतर पोषक तत्व एवं उर्वरक स्रोत के रूप में कृषि सिंचाई के अनुकूल है, इसमें शौचालय से निष्कासित जल को शामिल नहीं किया जाता है। कूट का प्रयोग करिए, सही का चयन कीजिए, कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो यह हो जाएगा आपका तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 131 है, वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता के आधार पर आरोही क्रम में बताइए, मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बताइए कौन सा होगा इसमें से। तो देखिए सबसे पहले तो आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा मेघालय, फिर है आपका महाराष्ट्र, फिर मिजोरम, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो यह है कानपुर नगर में। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में कितने अंकों कमी हुई है? तो यह हुई है 14। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में। 135 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा धार्मिक समुदाय साक्षरता की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर है? तो यह होगा आपका जैन। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत है? तो यह है आपका 20.22%, मतलब 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है? सर्वाधिक जनसंख्या का जनपद कौन सा है? तो यह आपका पड़ेगा आजमगढ़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 138 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है? पुरुष साक्षरता, तो यह है आपका 77.3%। तो देखिए 77.3% तथा महिला का, तो महिला का है 57.2%, और टोटल देखेंगे तो टोटल 67.7% है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो यह पड़ेगा आपका श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 140 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिकतम है? शिशु लिंगानुपात, तो यह पड़ेगा आपका बलरामपुर में। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया आपका डेनिस फ्रांसिस। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? किसे किया गया है? तो यह किया गया आपको टाइम सेल्टर। हाल ही में चर्चा में रहा नारगोनो काराबाग क्षेत्र किस कहां पर है? नारगोनो काराबाग, बताइए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये चीज। तो यह है आपका
अर्मेनिया और अजरबैजान, जो कि अर्मेनिया और अजरबैजान के जो अधिकृत क्षेत्र बनाए हैं उसी के लिए था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जनपद में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है? फार्मा पार्क तो यह है आपका ललितपुर, ऑप्शन नंबर ए ललितपुर। देखेंगे तो मध्य प्रदेश से सटा हुआ एक इलाका है ललितपुर, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही वोल्वैचिया पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे उद्देश्य से किया गया है? वोल्वैचिया, तो वोल्वैचिया नाम सुना है कि नहीं? तो यह है आपका मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार का नियंत्रण। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? तो यह है आपका 126वें स्थान पर। हाल ही में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा, तारकसी मैनपुरी, हार्न क्राफ्ट संबल और हथकरघा उत्पाद बाराबंकी। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चारों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 की महिला एकल पुरस्कार जीता है? बताइए कौन जीता है? तो यह जीता आपका मार्केट वोंद्रोसोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना फिल्म हिल्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके कस्तूरी रे। चलिए लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया है? मतलब किसको किया गया है? यह किया गया द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति हैं। 6 जून 2023 को हुआ था, द्रौपदी मुर्मू को सूरी नाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा सूरी नाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 के मई महीने में भारत के प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी के ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। पपुआ न्यू गिनी में लोगोहू स्वर्ग के पक्षी को कहा जाता है और जो अपनी स्वतंत्रता के बाद से पपुआ न्यू गिनी का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 जुलाई 2023 को फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रॉन द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह पेरिस के एलिसी पैलेस में आयोजित किया गया था। तो अगर पूछ लिया नरेंद्र मोदी कौन सा सम्मान मिला था या फ्रांस के राष्ट्रपति ने कौन सा सम्मान दिया था, क्या था वहां पर, तो ये तीनों भी याद रखिएगा। तो चलिए इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये समाप्त हुआ इस 50 क्वेश्चन, और इसके पहले भी ये 50 क्वेश्चन बनाया गया है उसको देख लीजिए, हम लोगों ने 100 क्वेश्चन इसमें किया है। तो देखिए पीछे का PCS जो कि एग्जाम उसका बहुत नजदीक आ चुका है, अक्टूबर में ही है तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो आप लोग लगातार टेस्ट करते रहिए, हम लोग भी लगातार टेस्ट है, जैसे कि ये संस्कृति आयोग का था, इसके बाद हम लोग दृष्टि का भी लेके आएंगे, विजन का भी लेके आएंगे, जहां से टेस्ट जितना भी मिलेगा टेस्ट लेकर आएंगे हम लोग। तो आप लोग बस लगातार टेस्ट करते रहिए, जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट रहेगा। देखेंगे भी एग्जाम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से कितना ही फायदा होता है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, आप लोगों का सहयोग की जरूरत है इसमें। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।